नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। हमारे शरीर के सबसे खास और नाजुक अंगों में एक होती हैं आँखें। अगर सही समय पर इनका ख्याल न रखा जाए तो जिंदगी भर की तकलीफ दे सकती हैं, लेकिन लोग आँखों की सेहत के बारे में उतना ध्यान नहीं रखते हैं जितना उन्हें रखना चाहिए। यही वजह है कि भारत में लोग 40 की उम्र तक आते आते आँखों की गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इन्हीं में से एक बीमारी है काला मोतिया यानी ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आंखों से जुड़ी एक बेहद गंभीर बीमारी है। अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो आप जिंदगी भर के लिए आंखों की रोशनी से हाथ धो सकते हैं। हर साल 12 मार्च से 18 मार्च के बीच बर्ड ग्लूकोमा वीक नाम से एक अभियान चलाया जाता है। इसी के तहत सार्प साइट सेंटर इंदिरापुरम में ये बर्ड ग्लूकोमा वीक के तहत एक अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को ग्लूकोमा के बारे में जागरूक किया गया और उनसे बचने के उपाय बताए गए। इस सब पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज ग्लूकोमा डे है, यानी काला मोतिया। ग्लूकोमा को हिंदी में काला मोतिया बोलते हैं और ये एक बड़ी बीमारी है और अगर समय से इलाज पा जाओ तो कुछ नहीं। आँख है तो जहान है, वरना सारी दुनिया वीरान है। आँख से कभी या आँख से संबंधित रोगों से मजाक नहीं की जाती है। अगर कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से इलाज लें। आज इस ग्लूकोमा डे पर सार्प साइट जो आँखों का अस्पताल है इंदिरापुरम में, उन्होंने सुबह प्रभात फेरी निकाली, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने मार्च किया और इस पैदल मार्च में उन्होंने हज़ारों लोगों के साथ मिलकर ये लोगों को बताया कि कैसे ग्लूकोमा यानी काले मोतिया से कैसे आंखें सुरक्षित रखें। काला मोतिया के बारे में हम सीधी बात करेंगे संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर मेंबर डॉक्टर हितेंद्र राणा से कि इस ग्लूकोमा डे पर आप प्रत्येक वर्ष ये रैली निकालते हो, आज आपने क्या नया जनता को बताया? डॉक्टर साहब नमस्कार, आज ग्लूकोमा डे है, क्या आज जो रैली लेके अभी आप वापस आए हैं, क्या था पूरा प्रोसीजर? ये वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक है पूरा, जो ये 8 दिन का होता है और इसमें हम सार्प साइट की पूरी कोशिश ये रहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बता पाएँ कि काला मोतिया क्या है और इसका किस तरीके से हम उपचार कर सकते हैं और काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया में क्या फ़र्क है। और ये सार्प साइट के हमारे 15 हॉस्पिटल हैं ऑल ओवर द इंडिया, तो हमने ये रैली यानी जो ये मार्च निकाला है ये पूरे 15 के 15 हॉस्पिटल्स में विद इन द वीक सब जगह अलग अलग तरीके से लोगों को हमने जागरूक किया है। काला मोतिया क्या क्या कोई डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट होते हैं, सर्जन जैसे इसका कोई उपचार करने वाले? डेफिनेटली, तो जैसे सफ़ेद आँख में 6-7 स्पेशलिटीज होती हैं, उसमें से काले मोतिया के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं। जो हमारे यहाँ डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल हैं जो काला मोतिया के सर्जन हैं, राइट? तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे बात करें। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज काला मोतिया दिवस है और इसका आज अंतिम दिन है, वीकेंड हो रहा है जी। आप इसके स्पेशलिस्ट हैं जी, तो कैसे इससे बचा जा सकता है? काले मोती को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं और इसकी चीज़ों को लोगों के लेगे के मन में बहुत डर सा है कि काले मोतिये का कोई साइन सिम्टम नहीं होता, कोई इलाज संभव नहीं है और काले मोतिये में जो नज़र चली जाती है वो वापस नहीं आती। तो आज इन सभी चीज़ों पे एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है? तो काले मोतिया जिसे नज़र का चोर भी कहते हैं, साइलेंट थीफ ऑफ विजन, तो काले मोतिये में साइट से नज़र जाती है, मतलब साइट की नज़र कम होती रहती है और सेंटर का विजन हमेशा इंटैक्ट रहता है आखिरी स्टेज तक डिजीज के। नहीं, मेरा एक यहाँ छोटा सा सवाल आपका, लोग कहते हैं कि हमारी 6x6 नज़र ठीक है, तो फिर क्या इससे काला मोतिया का असर पड़ेगा? आपने कहा कि साइड से और मेन, तो क्या इसका कोई असर रहता है? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। जैसे कि आपने पूछा कि लोगों की नज़र 6x6 है, उसके बाद भी क्या काला मोतिया हो सकता है जी? हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ आपका कि काला मोतिया को हम नज़र का चोर, साइलेंट थीफ ऑफ विजन भी कहते हैं। इसमें साइड से नज़र कम होती है, मतलब पेरिफेरल विजन कम होती है और सेंटर का विजन इंटैक्ट रहता है एंड स्टेज तक, डिजीज़ के एंड स्टेज तक, बीमारी के एंड स्टेज तक ये विजन 6x6 रह सकता है। इसीलिए जिस पेशेंट की विजन 6x6 है उसको भी काला मोतिया हो सकता है। कोई उम्र की सीमा है कि इस उम्र के बाद ही होगा या बुज़ुर्गों में ही होगा? कोई ऐसा इसका अब तक कोई लक्षण आपके सामने आया?
बढ़ती उम्र के साथ इसके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम सभी को सलाह भी देते हैं कि 40 की उम्र के बाद अपना सभी लोग जांच कराते रहें, ताकि हमें जितना जल्दी पता लग सके उतना जल्दी हम इसका काम कर सकते संभव इलाज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये किसी भी उम्र में पाया जा सकता है, इवन नवजात शिशु जिसे न्यू बॉर्न चाइल्ड जिसे हम कंजनाइटल ग्लोकोमा भी कहते हैं, ये किसी भी एज में देखने को मिल सकता है। डॉक्टर साहब, क्या अभी कोरोना से हम निजात तो नहीं पा पाए, लेकिन कोरोना से हम जूझ रहे हैं, और कोरोना में क्या काला मोतिया का प्रकोप बढ़ा या घटा या जैसा था वैसे ही, कुछ ऐसी जांच आई आपके सामने? कोरोना में स्टेरॉइड्स का यूज़ बहुत बढ़ गया है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है काले मोतियों को बढ़ाने में, जो कि आँख की नस पर प्रभाव डालता है और जिसे हम नज़र का चोर भी कहते हैं। तो स्टेरॉइड इज़ अ मेन कल्प्रिट जिसे हम मानते हैं कि कोरोना में बहुत ही यूज़ किया गया, जिसकी वजह से आंखों पे असर और काला मोतिया बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। कोई और कुछ ऐसी जानकारी, बचा कैसे जाए? जी, लोगों के मन में बहुत सा डाउट रहता है कि काले मोतिया का कोई साइन सिम्टम नहीं होता तो क्या इसका इलाज भी संभव नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि काले मोतिया में कोई साइन सिम्टम नहीं होता, और बहुत से कम ऐसे होते हैं जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसमें आँख में लालीपन या दर्द महसूस होता है या फिर प्रेशर का अटैक आ जाए, तो ही कोई साइन सिम्टम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इलाज भी संभव नहीं है, इसका इलाज संभव है। आँखों में ड्रॉप्स के द्वारा, लेज़र के द्वारा, इवन सर्जरीज भी परफॉर्म की जाती हैं, और आजकल इतने स्टेंट्स अवेलेबल, मतलब बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो आँख के प्रेशर को कंट्रोल करने में हमें बहुत सारी मदद करती है, जिसकी वजह से हम फील्ड ऑफ विजन बरकरार रख सकते हैं और आपकी रोज़मर्रा के जीवन पर प्रभाव पड़ने से बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी सर्जरी की जिक्र आ गया, गर्मी के मौसम में सर्जरी से बचने की एक भ्रांति फैली हुई है। लोग सोचते हैं कि मैं अपने आँख का ऑपरेशन, आँख की सर्जरी अक्टूबर से लेके और मार्च के बीच में करा लूँ। अच्छा, और आए दिन ये है, जबकि साइंटिफिक रीजन ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आप सर्जरी करा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों में ये भ्रांति है। और लगभग आप तो लगभग साठ साठ 15 अस्पताल चलाती है, लेकिन फिर भी सब जगह से ये रिपोर्टें हैं कि आए मार्च के बाद आँखों की सर्जरी काफ़ी कम होती है। एक्चुअली आज हम ग्लूकोमा दिवस का लास्ट डे है, तो जिसको हम लोग मना तो नहीं रहे होते, पर लोगों में जागरूकता फैलाते हैं कि इससे बच सकें वो तो। बट जिस सर्जरी की आप बात कर रहे हैं, ग्लूकोमा की सर्जरी, तो एक ऐसी सर्जरी है जैसे डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने बताया है कि ये तो एट एनी कॉस्ट जब दिक्कत आएगी तभी करना पड़ेगा। मैं तो नॉर्मल सर्जरी की बात कर रहा था। नॉर्मल सर्जरी में हम आँखों में सबसे ज़्यादा लेके चलते हैं सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन की ये भ्रांति तब हुआ करती थी जब हम आँख में पूरा कट लगाते थे और 5-7 टाँके उसमें लगाया करते थे। आजकल तो सूचर लेस सर्जरी होती है, इसमें कोई कट पीटर नहीं लगता, 1.6 मिलीमीटर, बल्कि अब तो लेजर आ गया कम्प्लीटली। तो ये भ्रांति बिल्कुल ही गलत है, और अब किसी भी मौसम में ये सर्जरी की जा सकती है, और धीरे धीरे करके ये भ्रांति कम ऑलरेडी हो भी रही है कि जो लोग पहले नहीं कराते थे वो अब कराने लगे, और मुझे लगता है कि आने वाले 7 सालों में ये काफ़ी तरह ख़त्म हो जाएगा कि लोगों के लिए सब मौसम एक सा रहेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी, जिन्होंने काले मोतिया को लेकर आपको विशेष जानकारी दी। काले मोतिया से घबराएं ना, समय रहते इलाज कराएं, जांच कराएं और आंख को बचाएं। आज सिर्फ इतना ही, फिर आगे मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्पेशल कवरेज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।